कल कौन कौन आए थे? और दो ठो हाथ उठा देने से नहीं हो जाएगा। और कल क्या पढ़े थे हम लोग? कुछ कुछ नहीं। नहीं। नहीं, कल कुछ नहीं पढ़े थे क्या? सच में कुछ नहीं पढ़े थे कल? क्या पढ़े थे कल? क्या पढ़े थे आप लोग बताएंगे? नहीं बताएंगे हैं? उसको कहा जाता है कोम्बो बॉक्स। ठीक, बोलिए। बड़ा अजीब नाम है, बड़ा अजीब नाम है ना, कोम्बो बॉक्स। चलिए जी, बड़ा अजीब नाम है। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज हम लोग क्या पढ़ लें जी? रेडियो बटन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। रेडियो बटन के बाद हमने क्या पढ़ा जी? कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स और रेडियो बटन, ये तो हमको समझ में आ गया ना। इसके बाद हम क्या पढ़ लेते हैं? चेक बॉक्स, राइट? क्या पढ़ेंगे? चेक बॉक्स। ठीक है जी। तो कॉम्बो बॉक्स में एक छोटा सा चीज मैं और बता देता हूं आपको। वो छोटा सा चीज क्या है, मैं फटाक से एक तुरंत ले लेता हूं जी। क्या? कॉम्बो बॉक्स। सी से होता है कॉम्बो बॉक्स। ए लीजिए। ठीक, इसके आइटम पे मैं जाता हूँ, एडिट आइटम। यहाँ पे लिख देता हूँ जी, जावा विजुअल बेसिक सी शार्प एसक्यूएल HTML। ठीक है ना, लिख दिया। ओके कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा जी? आ गया ना। अब मैं चाहता हूं यहां पे जैसे ही जे और ए टाइप करूं ना, यहां पे अपने आप सजेशन आ जाए। कैसे आएगा सजेशन? मैं बता देता हूं आपको कैसे आएगा। ये है ऑटो कंप्लीट प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो यहां पे है सबसे पहले ऑटो कंप्लीट सोर्स। सोर्स में क्या दिया हुआ है? नल। ठीक है, तो सोर्स में हम क्या करेंगे जी? फाइल सिस्टम है, हिस्ट्री लिस्ट है, रिसेंट लिस्ट है, आल यूआरएल है, यूआरएल वगैरह गेट करेगा। ठीक है, इन सबको मैं अभी ना बता करके यहाँ पे कस्टम सोर्स पे क्लिक कर दे रहा हूँ कि मेरा कस्टम सोर्स है। ठीक, कस्टम सोर्स के बाद ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स में जा रहा हूँ मैं और कर दे रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। ओके कर देता हूँ। ठीक है, बाकी लाइट आ जाए तो मैं बता देता हूँ जी। तो मैंने क्या करा था, आपको लाइट कट गया था शायद, आप नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, इस पे क्लिक कर देता हूँ, इसका प्रॉपर्टी खुलेगा। ठीक है, और डेटा सोर्स, ये सब तो डिस्प्ले मेंबर, ये सब तो डेटाबेस में मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑटो कंप्लीट सोर्स इसमें पास कर दिया मैं कस्टम सोर्स। और यहाँ पे पास, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी है ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स, इसमें आया और मैं कलेक्शन पास कर दिया वही। ठीक है, मैं कट कर रन कर देता हूँ। जे ए लिखा जी यहाँ पे, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है जी, ये बड़ा नाइंसाफी है ना? नहीं है, ये तो बड़ा ना इंसाफी है जी, हो नहीं रहा है, मज़ा नहीं आया। चलिए जी, मज़ा नहीं आया तो थोड़ा कुछ काम करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा एक प्रॉपर्टी और है, ऑटो कंप्लीट मोड, और यहाँ पे दिया हुआ है नन। ठीक, यह कारण है कि वहाँ पे नहीं आ रहा था। ठीक है, अब समस्या हमारे पास आया, तब मैं इसको कर देता हूँ सजेस्टेड। ठीक, अब आप लोग देखिएगा क्या होता है। ठीक है,
यहाँ पे मैं आया लिखता हूँ जे ए आ गया ना, एस लिखा तो एस की वेल आने लगा, ठीक है, एच लिखा तो एच टी एम एल आने लगा, तो इस तरह से आता है। वी लिखा तो विजुअल बेसिक आने लगा, ठीक है। तो ये क्या है जी, सजेशन दे रहा है ये, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपेंड, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करके कर दूंगा रन, तो क्या हो जाएगा जी, जे लिखा यहाँ पे अपने आप अपेंड होने लगा, यहाँ पे ए लिखा एस लिखा तो अपने आप एस की वेल आ गया, ठीक है, एच लिखा तो अपने आप अपेंड हो गए एच टी एम एल, अपने आप आने लगा ना। तो ये हो रहा है कि अपेंड इसमें अपने आप करेगा वो, ठीक है जी, कितना खुशी का बात है ना। चलिए उसके बाद है सजेस्टेड अपेंड, क्या करेगा अब इससे, ये सजेशन भी देगा और अपेंड भी करेगा, राइट। तो क्या करेंगे जी, एस जैसे लिखा तो एस की वेल नीचे भी आ रहा है, इधर अपेंड भी कर रहा है, एच लिखूंगा तो एच टी एम एल आ गया जी। मैंने कम ही लिया है, कम लिस्ट है, ये ज्यादा रहता तो क्या होता, ज्यादा जो है आता है, देखिए यहाँ पे अब लिस्ट भी शो कर रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है जी। तो यही है जी आपका ऑटो कंप्लीट कॉम्बो बॉक्स में, ठीक है। बाकी कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप पूछ लीजिए जी, ट्रू कर दूं इसको, तो यही है जी, बाकी तो कुछ है नहीं जी, ठीक है। और भैया इसमें डेटा सोर्स है, डिस्प्ले मेंबर है, डक प्रॉपर्टी है, इनेबल है, इसको मैं कर दूंगा फाल्स, तो देखना क्या होगा अभी, ठीक है। ये देखो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये डिसेबल हो गया इसीलिए नहीं काम कर रहा है, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। आइटम से मार्जिन है, ठीक है, टैब इंडेक्स वगैरह मैं बताऊंगा जो है आगे, ठीक है। तो ये क्लियर है ना इतना, ये वाला कॉम्बो बॉक्स में नहीं है, क्लियर, क्लियर है। चलिए जी मैं इसको कॉम्बो बॉक्स को करता हूँ डिलीट, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं प्रॉपर्टी से करा हूँ ना, वही आप चाहेंगे तो यहाँ से कोड में भी डायनामिकली कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉम्बो कैसे होगा, इस कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है जी, कॉम्बो बॉक्स वन इसका नाम है। मैं फॉर्म पे गया, फॉर्म पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे क्या करा मैंने, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट कस्टम ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे दे दिया करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे, आसान सा चीज है, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, चेक बॉक्स, ठीक। तो चेक बॉक्स का मतलब क्या है जी, चेक बॉक्स मतलब आप लोग समझते हैं कुछ, मान लीजिए आप कुछ ऑप्शन दे रहे हैं उसको, ठीक है, यूजर को कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कौन कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो, ठीक है, और उसमें कंडीशन ये है कि सामने वाला जो है एक से ज्यादा कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए इलिजिबल है, ठीक, एक से ज्यादा कोर्स को सिलेक्ट कर सकता है सामने वाला, ठीक। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देंगे, रेडियो बटन देंगे और चेकबॉक्स देंगे, चेकबॉक्स देंगे, क्यों, क्योंकि चेकबॉक्स जो है एक से ज्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करने का परमिशन देता है। तो ये देख लीजिए जी, मैं यहाँ से चेकबॉक्स ले लाया, ठीक है। अब जो समस्या रेडियो बटन में आ रहा था वही समस्या यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। हम एक तो ले लेंगे ग्रुप बॉक्स, ग्रुपिंग करने के लिए, ठीक है। तो ग्रुप बॉक्स किधर है जी, मेरे को नहीं दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है क्या, कहाँ है, अच्छा ये वाला, ये है, ये लीजिए, ले लिया। इस ग्रुप बॉक्स का क्या करूंगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर दूंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट,
ठीक है, ऐसे ऐसे इन सभी का मैं क्या करूंगा, बदल देता हूं यहां से टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम दोनों मैं बदलूंगा, इसको ले लेता हूं जावा, इसका नाम को मैं क्या कर देता हूं जी, नाम को भी कर देता हूं जी मैं जावा। बाकी बार मैं नहीं करता था, मैं सिर्फ अभी बदल रहा हूं। इसका मैं क्या कर दूंगा जी, एसक्यूएल, नाम और इसका टेक्स्ट मैं दोनों एक ही कर दे रहा हूं, ठीक है। और इसका टेक्स्ट ये भी मैं क्या कर देता हूं जी, एसक्यूएल लिया था ना अभी, एसक्यूएल। अब इसका मैं क्या कर दूंगा जी, एच टी एम एल, क्या मिलेंगे एच टी एम एल, ठीक है। और ऊपर जो नेम है, नेम मैं भी कर देता हूं मैं एच टी एम एल, ठीक है। इसमें मैं क्या कर देता हूं जी, विजुअल बेसिक, ठीक है। इसमें मैं क्या कर दूं, विजुअल बेसिक, ठीक। एक तो मैं बटन भी ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमने सो सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट शो करेगा हमें, ठीक। डबल क्लिक कर दिया मैं, सो बटन जो था उसके क्लिक इवेंट पे मैं कोड कर रहा हूं अब, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हम सारे कंडीशन को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं जी, चेक्ड प्रॉपर्टीज में होता है, जो था ना वहां पे चेक्ड प्रॉपर्टी, जो था रेडियो बटन में चेक्ड प्रॉपर्टी, वो भी यहां पे भी है। मैं क्या करता हूं, जावा डॉट चेक्ड, ठीक, चेक्ड, ठीक। तो क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स में क्या हो, दिखाई दे हमको, क्या दिखाया जी, जावा, ठीक, कॉमा, सब्जेक्ट, ठीक। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे के लिए कर देंगे, ठीक, ठीक है। अब इस जावा के जगह पे मैं क्या कर दूंगा जी, एसक्यूएल, ठीक है। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, एसक्यूएल, यहां पे कर दूंगा एचटीएमएल, यहां पे कर दूंगा जी एचटीएमएल, यहां पे आ जाऊंगा, यहां पे क्या कर दूंगा, विजुअल बेसिक, ठीक है, यहां पे भी कर दूंगा विजुअल बेसिक, ठीक, हो गया ना। अब इसको मैं रन करता हूं, देखिएगा क्या होता है। HTML मैंने सेलेक्ट किया, HTML आ गया ना, विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, HTML आ रहा है, फिर विजुअल बेसिक आ रहा है, मजा नहीं आया मेरे को। इसको मैंने सेलेक्ट करा और HTML को सेलेक्ट करा, तो आ गया SQL और फिर HTML, ठीक है। आप लोग को मजा आया क्या, मेरे को तो मजा नहीं आया, ठीक है। तो क्या करना चाहिए जी हमको, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होता, इतना तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को, समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूं इसमें, नहीं आया समझ में, आ गया नहीं आया, इतना चीजें तो क्लियर है ना आप लोगों को, नहीं है क्लियर, पीछे इसमें क्या लिखा हूं, क्लियर है आप लोगों को, नहीं है क्लियर, कोई नहीं बोल रहा है, मतलब क्लियर नहीं है किसी को, एक ही बार कमेंट किया जाता है इसमें और कैसे, ऐसे, ठीक। इस कोड को आप ध्यान मत दीजिए, ठीक। एमएससी बॉक्स, और मैं क्या पास करता हूं यहां पे,
java.chat, ठीक। जावा क्या है? इस कंट्रोल का नाम है जावा, ठीक। कहाँ लिखा है जी नेम? ये देखिए नेम में यहाँ पे लिखा है जावा, ठीक। मैं रन कर देता हूँ इसको। तो जावा डॉट चेक्ड, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऐसे मैं किया तो जावा जो है चेकबॉक्स जो है ये चेक्ड हो गया, मतलब जावा डॉट चेक्ड को अगर मैं शो कराऊंगा तो क्या होगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अनचेक्ड करके अगर मैं शो पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा? ये फाल्स रिटर्न करेगा, राइट। आप लोग देखिए फाल्स आ गया, यहां पे आ रहा है अब ट्रू, आएगा ट्रू, ये देखिए आ गया ना ट्रू। तो जैसे ही हमने चेक्ड प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ? जावा डॉट चेक्ड अगर चेक्ड है तो यहां पे आ जाएगा ट्रू। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो जी, ऐसे ऐसे, अगर जावा डॉट चेक्ड है ट्रू के बराबर तो क्या कर दो? हाँ, माने ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक। ये देखिए, मतलब ये देखिए ट्रू आ गया, और इसको अगर मैं हटा दूंगा तो क्या आएगा सब्जेक्ट में? आ जाएगा फॉल्स, आ गया ना। ये तो समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो अब एमएसजी के जगह पे मैं लगा दूंगा इफ। इफ अगर जावा जो है, इफ माने अगर, यदि अगर ये चेक्ड है तो क्या कर दो जी? एमएसजी बॉक्स में क्या कर देंगे? हम लिख देंगे जावा, मतलब जावा सेलेक्टेड है तो लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए अभी करा, अभी कुछ नहीं आ रहा है। सेलेक्ट करके मैं जब करा तो यहाँ पे जावा आ गया, आ गया ना। तो ये चीज आपको स्पष्ट है? ये क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है नहीं है? क्लियर? कुछ बताओगे नहीं बताओगे? इस वाले लाइन में किसी को कोई समस्या है? नहीं है? नहीं बताओगे जी? ये देखिए यहां पे आया, इसका इधर चेक्ड नाम का प्रॉपर्टी होगा कहीं, ठीक है, इधर है, ये देखिए चेक्ड है ना। इसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो यहां पे सिलेक्ट हो गया ना। इसी को मैं यहां से कर दूंगा फॉल्स तो ये अनचेक्ड हो गया। तो यहां पे मैं ट्रू करके अगर मैं रन करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट पहले से चेक्ड ही रहेगा, ठीक। ये देखिए जी आ गया। फिर इसको मैं अनचेक्ड करके करूंगा सब्जेक्ट पे तो अब कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? क्यों? क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ लिखा है कि अगर जावा डॉट अगर चेक्ड है ट्रू, अगर ट्रू के बराबर है माने हां के बराबर है ये चेक्ड, तो अभी मैसेज बॉक्स में जावा दिखाओ, अन्यथा कुछ मत करो, ठीक। क्लियर है? नहीं है क्लियर? है ना क्लियर? नहीं है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? कुछ बताओगे? नहीं बताओगे? और जयसवाल हाल चाल ठीक है? क्यों जयसवाल जरा बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जयसवाल ठीक है ना? नहीं है? और कमलेश, राहुल, समझ में आ रहा है? कुछ हवा नहीं लगा? कल आए थे क्या? क्यों दो तीन दिन से नहीं आए? आप घर में जाइए और पिछला सारा रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक, फिर समझ में आएगा। अन्यथा मैं आखिरी में कहूंगा एक प्रोजेक्ट बना के दो तो मत कहना कि नहीं देंगे, नहीं बनेगा हमसे। कमलेश आए थे ना कल? बताओ ना फिर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पीछे पीछे गुलशन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? ठीक है, जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जावा के जगह पे मैं कुछ भी लिख दूं क्या? एसक्यूएल लिख दूंगा तो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा? अगर रहेगा तो क्यों, नहीं रहेगा तो क्यों?
हाँ आप बात सही कह रहे हैं कि चेक कर रहे हो जावा का कि चेक है कि नहीं, जावा सिलेक्टेड है कि नहीं, और जावा सिलेक्टेड का तो एसक्यूएल आप दे दोगे सब्जेक्ट, ये तो सरासर ना इंसाफी है। चलिए जी जावा ही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो समझ में आ रहा है ना, इतना क्लियर है। चलिए आगे चलें, ठीक है जी चलता हूँ मैं आगे। मैं क्या चाहता हूँ कि इन सबको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और एक बार क्लिक करूँ और सीधा लेबल में जो है मेरे को दिख जाए कितना सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, बढ़िया रहता ना, ऐसा कर दें। ठीक है कर देते हैं, ऐसा कैसे करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। वो क्या जुगाड़ लगेगा जी, आप लोग देखिए। ठीक, तो जो मैसेज बॉक्स वाला कोड था वो तो आपको समझ में आ गया होगा, तो ठीक उसी तरह से तो ये कोड भी लिखा है ना जो मैं कमेंट मारा था, ये वाला, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, ये वाला तो समझ में आ रहा है ना। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करिए। ठीक, अब इस पर भी मैं दो चार श्लोक बोलूं टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे ना, हाँ कर लेना। ठीक, अन्यथा इंसान हो या हथियार हो, काम तभी करता है जब तक कि जंग ना लगा हो। अगर जंग लग गया तो इंसान हो या हथियार हो, काम करना बंद कर देता है। अब मैं आप लोगों को ये बात कितना ही बताता हूँ लेकिन आप लोग बड़े हल्के में लेते हो, ठीक है, तो हल्के में नहीं लेने का, सही बता रहा हूँ मैं आप लोग को। जंग लग चुका है ना, तो ठीक है पेट्रोल डीजल मिट्टी तेल कुछ डालो, जंग को छुड़ाओ, सरसपत्ता ले लाओ, ठीक है, और प्रैक्टिस करो तो जंग छूट जाएगा। ठीक है, अन्यथा इतना ज्यादा जंग लग जाएगा कि खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो ऐसा होने मत देना। ठीक है, तो क्या करना चाहिए जी हमको ऐसा स्थिति में कि हमको सारा वैल्यू एक बार दिखाई, मैसेज बॉक्स एक एक दिखाएगा, मजा नहीं आएगा ना, क्या करना चाहिए इसके लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। CORSE कोर्स इक्वल टू, इसमें डाल दूंगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, यहां पे आऊंगा CORSE कोर्स, ठीक है, इक्वल टू क्या यहां पे डाल दूंगा, जावा। ठीक, फिर यहां पे आऊंगा, ठीक है, यहां पे क्या डाल दूंगा जी, एसक्यूएल, लेकिन कैसे, ऐसे, ठीक, या फिर ऐसे कोर्स इस तरह से डालूंगा, लेकिन अभी डाल दूंगा तो आप लोगों को समस्या नजर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको नहीं डालूंगा अभी। ठीक, यहां पे भी आऊंगा और यहां पे डाल दूंगा मैं HTML। ठीक जी, समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना, चलिए जी यहां पे डाल दिया VB। ठीक, अब हम क्या करेंगे जी, सबसे नीचे आखिरी में दिखा देंगे मैसेज बॉक्स में कि हमने साबित कर दिया। ठीक, क्या साबित कर दिया, कि हम बहुत तेजस्वी लोग हैं, क्यों, चलिए जी वो कर देता हूं रन पे क्लिक। ठीक है, ये देख लीजिए आ गया, ओके करा, ये तो बहुत ना इंसाफी है जी, सिर्फ HTML आ रहा है, HTML को अनसेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ SQL आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके वो सो सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो खाली विजुअल बेसिक आ रहा है, मतलब खाली लास्ट वाला आ रहा है। ठीक, तो इसका आप लोग कारण समझ रहे हैं क्यों आ रहा है ऐसा, नहीं समझ रहे, समझ रहे हो कारण आप लोग, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ में आया कारण, सिंपल सा बात है। मैं क्या करता हूं, ये जितना कोड रखा हूं इसको फिर से थोड़े देर के लिए कमेंट करता हूं। ठीक, कमेंट कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पे आता हूं, मैंने आपको बताया था पहले लेकिन आप लोग शायद ध्यान नहीं देते हो। ठीक है,
यहाँ पे कोर्स में क्या डाल देता हूँ जी मैं, DCA। ठीक, अभी प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा जी बताइए जरा आप लोग, क्यों अभी क्या प्रिंट होगा, DCA प्रिंट होगा ना, सही कह रहे हैं आप लोग, DCA ही प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या प्रिंट होगा, आप रन करूंगा तो BCA प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि पुराना वैल्यू को तो हटा दिया ना ये, आप लोग सही कह रहे हैं, आप लोग का लॉजिक जो है सही है, ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे का। ठीक है, ये देखिए BCA आ गया जी, पुराना वैल्यू जो DCA था वो गायब कर दिया। ठीक है, तो सेम यही काम क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक, कैसे, सबसे पहला कंडीशन मान लीजिए क्या हुआ, जावा चेक्ड निकला, कोर्स में डाल दिया जावा, फिर नीचे चेक किया कंडीशन, एसक्यूएल भी चेक्ड है क्या, अगर एसक्यूएल चेक्ड है, ठीक है, इसको यहां पे अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे भी आप लिखोगे तो मतलब वही है। ठीक है, अब यहां पे अगर ट्रू हो गया कंडीशन तो क्या आ गया, एसक्यूएल आ गया, जावा को तो गायब कर दिया ना लेकिन। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए जी, यहां पे ये वाला ऑपरेटर लगाना चाहिए कि पिछला वैल्यू हमारा रहे और अगला भी जुड़ता जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, कॉन्केटिनेट करेंगे। ठीक, कॉन्केटिनेट आप लोग समझते हैं क्या होता है, जोड़ना, मतलब दो दो चार होता है ना, लेकिन दो दो बाईस हो जाए तो कॉन्केटिनेट हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे जी, यही कॉन्केटिनेशन वाला काम सभी में कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, कर देंगे ना, नहीं करेंगे, कर देंगे। चलिए जी देखते हैं अब क्या होता है, एसक्यूएल जावा एसक्यूएल आ गया ना, विजुअल बेसिक ले लेता हूं तो आ गया जावा एसक्यूएल विजुअल बेसिक आ रहा है, हम लोग का काम बन गया ना, ये देख लीजिए जावा और विजुअल बेसिक दोनों आ गया, ये लीजिए आ गया, आ रहा है ना। चलिए तो क्लियर है आप लोगों को, इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखा जाएगा, शॉर्टकट में लिखना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका है जी, ये ठीक है, ये ठीक है, कर देता हूं रन, क्लिक करा, आ गया जावा और HTML आ गया ना। तो इस तरह से जी आप वेरिएबल में स्टोर कर लोगे और क्या करोगे, यहाँ पे दिखा दोगे कोर्स, यहाँ पे आप चाहो तो स्ट्रिंग में लिख दो पहले CORSE कोर्स इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है, फिर कॉमा, मैसेज बॉक्स का स्टाइल कन्फर्मेशन, फिर यहाँ पे लिख दोगे CORSE। ठीक, मैसेज बॉक्स में आप ये लिख दोगे, कंपाइल रन में कर देता हूं इसको, हो गया एसक्यूएल और विजुअल बेसिक सेलेक्ट किया, यहां पे किया कोर्स इक्वल टू आ गया जावा एसक्यूएल विजुअल बेसिक। ठीक, आ गया ना। चलिए, तो कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना है, पूछना नहीं पूछना बताओ, यहाँ पे स्पेस का साइन मैं दे दिया हूँ, क्यों दिया हूँ, ताकि दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा जगह हो, और इन सारे सब्जेक्ट को अगर हमको अलग अलग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस स्पेस के माध्यम से स्प्लिट कर देंगे तो निकल जाएगा। स्प्लिट मतलब क्या होता है जी, तोड़ना, तो स्प्लिट कर देंगे तो टूट जाएगा ये और अलग अलग कोर्स में दोनों बंट जाएगा, अभी एक ही कोर्स है। ठीक है, स्प्लिट का क्या जरूरत है, यूज कैसे होगा, डेटाबेस में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको, नहीं है क्लियर, क्लियर है ना, नहीं है क्लियर, क्लियर है। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे चलें, प्रैक्टिस करोगे, क्या कहते हो, कहोगे तो आगे चलेंगे, कहोगे कि प्रैक्टिस करना है आप लोगों को तो आप लोग प्रैक्टिस करिए जी, हैं।
इसी को लेबल में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? लेबल में दिखा दोगे ना, कैसे दिखेगा पता मालूम आप लोगों को? लेबल, एक लेबल मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। ये देख लीजिए आ गया लेबल, यहां पे इसी लेबल में मेरे को कोर्स दिखाना है। इस लेबल का नाम क्या है? यहां पे आप देखिए, इसका नाम है लेबल वन, ठीक जी। आखिरी में यहां पे आता हूं .txt, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं क्या कर दूंगा? कोर्स कर दूंगा, ठीक है। आ गया, आ गया, आ गया ना, ये देखिए आ रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू गेट कर लोगे, ठीक। कोई प्रश्न है किसी का तो आप लोग बताइए, कोई प्रश्न नहीं है तो अगर आप कहेंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, और कहेंगे कि आप लोग को प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर हम आगे बता देंगे, फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कल वाला भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आज वाला भी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद हम क्या पढ़ लेंगे जी? इसके बाद लिस्ट पढ़ लेंगे, लिस्ट आइटम, लिस्ट बॉक्स। और एरे में आप लोगों को नहीं बताया हूँ, एरे का नीड मेरे को अभी पढ़ता, ठीक है, तो एरे बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है जी, आप लोग इतने का जो है प्रैक्टिस करिए। इसका एक और स्टेट तो होता है, लेकिन वो स्टेट मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इनेबल डिसेबल भी होता है। अच्छा, किसी बटन पे क्लिक करूँगा और ये चेक्ड हो जाए तो कैसे चेक्ड होगा बता दूँ? बता दे रहा हूँ, ये बटन है जी, इस पे क्लिक करूँ तो ये जो है एसक्यूएल वाला अपने आप चेक्ड हो जाए, अनचेक्ड हो जाए, ठीक। तो इस बटन पे क्या करेंगे? कर देंगे डबल क्लिक, ठीक। और फिर मैं क्या करूँगा जी? एसक्यूएल डॉट चेक्ड इक्वल टू ट्रू, ठीक। यहाँ पे मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल डॉट सीएल चेक्ड, ठीक है। अगर ये चेक्ड है तो क्या करो? अगर पहले से चेक्ड है तो इसको क्या कर दो जी? अनचेक्ड कर दो। तो अनचेक्ड करने के लिए होता है फाल्स, और चेक्ड करने के लिए क्या होता है? ट्रू, ठीक। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट मारा, ये देखिए, ठीक है। तो बस यही है जी, ठीक है, मैं रन कर देता हूँ, ये देखिए हो रहा है ना, ये चेक्ड अनचेक्ड हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि इस बटन में टेक्स्ट भी बदलता दिखाई दे कि एसक्यूएल चेक्ड हो गया, एसक्यूएल अनचेक्ड हो गया, ठीक, चेक्ड और अनचेक्ड दिखाई दे, आप चाहते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पे भी लिख दो, ठीक, क्या लिख दो? इस बटन का क्या नाम है जी? इसका नाम है बटन टू। मेरे को पता कैसे चला? यहां पे बटन टू लिखा है इसलिए नहीं, यहां पे बटन का नेम यहां पे लिखा होता है, ठीक। ये देखिए, यहां पे लिखा है, ठीक। यहां पे आते हैं हम, ठीक है। अगर यहां पे चेक्ड अगर होता पहले से, ठीक है, अगर ये चेक्ड है पहले से तो हमको क्या करना होगा? अनचेक्ड करना होगा। तो डॉट टेक्स्ट लिख देता हूं और इसमें डाल देता हूं जी अनचेक्ड, ठीक। ठीक है, और यहां पे जस्ट कर दूंगा उल्टा चेक्ड, ठीक है। अब देखते हैं जी इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने सही तो लिखा है ना, उल्टा तो नहीं लिख दिया है। ये देखिए, चेक्ड हो गया तो यहां पे आ गया चेक्ड, अब अनचेक्ड हो गया तो यहां पे आ गया अनचेक्ड, ठीक। अब जैसे इसको मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है, उल्टा कर दूंगा तो कैसा दिखेगा आप लोग देखना। इसको चेक्ड के जगह पे कर देता हूं एसक्यूएल और अनचेक्ड के जगह पे कर देता हूं एसक्यूएल, ठीक। तो अब यूजर को साफ पता चलेगा
ठीक है, ये देखो ये चेक्ड हो गया है एसक्यूएल, तो अब यहाँ पे लिख रहा है अनचेक्ड। ऐसा क्यों लिख रहा है भाई, अनचेक्ड एसक्यूएल लिखना चाहिए ना। मैंने तो यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल लेकिन वहां पे नहीं लिखा जी, क्यों नहीं लिखा मालूम नहीं मेरे को, देखते हैं। ओ मैं समझ गया ये एसक्यूएल क्यों नहीं आ रहा है, इसका जो है साइज को हम क्या कर देंगे बड़ा, ठीक है तो हो जाएगा ये ठीक। अब देखिए सिलेक्ट शुरू में तो कुछ भी नहीं आया, अब देखो यहाँ पे चेक्ड है ना एसक्यूएल, यहाँ पे पढ़ रहा है अनचेक्ड एसक्यूएल, मतलब आप अनचेक्ड करना चाह रहे हो एसक्यूएल को, क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये अनचेक्ड हो गया। अब यहाँ पे फिर से बदल गया, अब ये पूछ रहा है आप चेक्ड करना चाह रहे हो एसक्यूएल को, फिर से क्लिक किया तो चेक्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे जी, हो जाएगा ना आप लोग से, नहीं होगा प्रैक्टिस आप लोग करिए जी, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं फिर पूछ लेना, ठीक है तो पूछ लेना जी, नहीं होगा तो इसको हम हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा हाइडिंग वगैरह का बटन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप। कुछ पूछना है किसी को, फोटो लेना है, फोटो लोगे तो ले लो जी, मैं स्पेसेस को गायब कर दूंगा तो आ जाएगा एक मिनट। एक पन्ने में ये टोटल आ जाएगी, ले लिया आपने फोटो। यहां पे मैंने चेंज नहीं करा है, आप लोग इसी के जैसा चेंज कर लेना, ठीक है हो गया नहीं हुआ, हो गया ना। डिजाइन का तो जरूरत है नहीं जी लेने का फोटो, ये डिजाइन आप लोग बना ही लेंगे, मन करेगा तो ले लीजिए। तो ठीक है जी आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है बाकी देख लेंगे।